अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आज की हमारी वीडियो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है ट्रेडिंग पर, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह है, इसमें काम अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है। तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद काफ़ी उलमा से पता किया, तो उन्होंने कंप्लीट गाइड किया और मुझे बताया, कंप्लीट मुझे फतवा नंबर बताया, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ आगे स्क्रीन पे शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको वो फतवा मिल सके, और साथ ही मैं आपको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ऐसी वीडियो शेयर करूंगा जिसको सुनकर आप मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो जाएंगे कि इसमें काम करना हलाल है या हराम है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि मैंने कुछ उलमा से पूछा इसके बारे में कि इस पर जो पैसे इन्वेस्ट करना वो हलाल है या हराम है। मुफ्ती साहब ने हमें बताया, देखें जो बाइनांस है या इस तरीके के जो भी प्लेटफॉर्म है जिस पर हम ऑनलाइन तरीके से अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग ट्रेड से निकला है, ट्रेड का मतलब है तिजारत। अब तिजारत आपको पता है कि किस तरीके से होती है। तजारत हमेशा जो है वो फिज़िकल प्रोडक्ट की मदद से होती है, या फिज़िकल कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सेल या परचेज करके करते हैं। तो अगर हम उसको ऑनलाइन तरीके से करें वो हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग में शामिल हो जाता है, अगर ऑफलाइन करें तो वो हमारा फिज़िकल बिजनेस गिना जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम दिया, या इस तरीके से कि कोई भी प्लेटफॉर्म जिन्होंने ट्रेडिंग का नाम दिया जिस पर हम ऑनलाइन करेंसीज जो हैं वो बाय एंड सेल करते हैं और उनसे हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो उलमा ने टोटली तौर पर इसको हराम करार दिया है। वो किस तरीके से हराम करार दिया है वो आप खुद देख लें, मैं आपको फतवा नंबर बता देता हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। आपने सिंपली इस फतवा नंबर को गूगल पे जाके सर्च करना है, आपके सामने मुकम्मल फतवा आ जाएगा। तो साथ ही मैं आपको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो शेयर करता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले उनसे सवाल पूछा गया, बट व्हेन यू डू फॉरेक्स ट्रेडिंग on a larger scale, different things involved, there are many haram things involved in it. Directly buying from the exchange, keeping with you, then selling as long as it is your money and no other thing, haram thing is involved. Normally what happens in forex trading when you do on a higher level, there are many associated haram things involved. For example, you may book for buying and then you may delay, pay some money and delay the deal, this is haram. जी फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी तो अब आपने खुद कंपैरिजन करना है, मेरी वीडियो पे नहीं जाना, मेरी बातों पे नहीं जाना। मैंने आपको मुकम्मल फतवा नंबर और आपको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो शेयर की है। तो इस तरीके से कोई भी हम कॉइन, जैसे इथरम हो गया, और भी काफी ज्यादा कॉइन मार्केट में लॉन्च हुए, जैसे पाई कॉइन हो गया, और भी काफी ज्यादा कॉइन है जिसकी हम माइनिंग करके उनको आगे सेल करते हैं, तो ये सब जो है वो हमारी ट्रेडिंग में आ जाता है। तो आपने इन सब चीज़ों से बचना है। तो अगर आपको वीडियो की समझ आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।